मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ में जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर सिक्स है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करा दी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर करा दी थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर आपको मैंने ये भी कहा था कि होम असाइनमेंट में कर लेना, वो अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। तो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को फेयर नोटबुक में करना है और इनको अच्छे से समझना भी है। मैंने लास्ट वीडियो में ये अच्छे से समझाया भी था, ठीक है। और प्रैक्टिस जोन टू भी इसी के बेस पे है, बिल्कुल इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर है। तो आप इसमें से एक एक करके जो नंबर्स हैं उनको लेते जाएंगे हम और प्रैक्टिस जोन टू को स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे मैथ्स में? अब किसी की ना तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना कोई सोल्यूशन करके भेज रहा है। अगर एक दो चार भेज देते हैं उससे क्या होता है? अब तो हमारे साथ अब तो ग्रुप में काफ़ी बच्चे बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही उसमें ऐड हो चुके हैं ग्रुप के अंदर। लेकिन क्या रीज़न है कि आप लोग होम असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम भेजता क्यों नहीं है? और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप होम असाइनमेंट क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो होम असाइनमेंट भी आप भेजें और प्रॉब्लम भी अगर हो तो उसे आप व्हाट्सएप पे डालें, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। और जिनके होम असाइनमेंट आज से नहीं आएंगे तो उनसे भी मुझे बात करनी है कि क्या रीज़न है कि आप होम असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। बिल्कुल आपको मैथ्स में तो अगर कंटिन्यूस रहना है, आपको अगर मैथ अच्छे से सीखना है, तो आपको हर दिन होम असाइनमेंट रेगुलर बेसिस पर भेजने हैं। आप एक भी दिन डिले करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप मैथ से दूर जा रहे हैं, आप मैथ्स नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक कंसिस्टेंसी रखिए, लगातार जो होमवर्क है वो पर डे आपको भेजना है। और ये बहुत ही ख़राब बात है कि बिल्कुल साइलेंट होके सारे बैठ गए कि बस ठीक है, हमें तो कुछ करना ही नहीं। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने कहा कि लाइव क्लास में भी हम उसे कर सकते हैं, वीडियोस में भी डाल सकता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से तो कुछ रिस्पॉन्स आए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो आए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस जोन। फाइंड वेदर द फॉलोइंग, हाँ तो स्टूडेंट्स, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस जोन का, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, गिव रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, गिव रीजन। आपको क्या करना है, आपको नंबर लेने हैं, नंबर इसमें जो दिए हुए हैं उनको देखना है एक एक करके, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, है ना। आप परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हो, इसी बेसिस पे आप ये प्रैक्टिस जोन करेंगे। अब देखें, ज़रा देखें, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट इसमें पहला नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर 64000। देखो इसको, इसमें आप एक चीज़ समझ लो 64000 में, कि ये जो जीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं, इसमें प्रॉपर्टी थी कि प्रॉपर्टी, आप थोड़ा रिमाइंड करिए, थोड़ा याद करिए, जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें से एक प्रॉपर्टी है कि जो स्क्वायर नंबर होता है उसकी जीरोज़ जो हैं वो इवन में होती हैं, इवन नंबर में। और ये कितनी जीरोज़ हैं, 1, 2, 3, ये ऑड नंबर है। और जहाँ पर ऑड नंबर में जीरो होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर खाली लिख दें तो भी चलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीज़न क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज आर नॉट इवन। अगर नंबर ऑफ जीरो इवन होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, क्योंकि 64 को अगर आप देखें तो 64 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 88 या 64 होता है। लेकिन जो बीच जो 1000 जो तीन जीरोज लगे हैं वो 3 ना होके 4 होते तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो ये नंबर ऑड है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बी है इसका नेगेटिव -25, और -25 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता है।
तो परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पहले नो लिखेंगे, नो नो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। थर्ड सी पार्ट, सी पार्ट देखें आप, 1225, इसके अगर आप फैक्टर्स करेंगे 1225 के, 1225 के आप फैक्टर कर दें, 5 इसमें, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 5 से कटेगा पहले, 5 2 जा 10, 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 4 जा और 5 9 जा, फिर 7 से जाएगा ये 7 7 7 जा, 7 आ जाएगा 1। तो इसके जो फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 5 × 5 × 7 × 7, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 5 7 5 जा 35 का स्क्वायर हो जाएगा, 35 × 35 यानी 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे यस दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या था कि इसके एक तो ये था कि इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका डी पार्ट है 70। अब आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि अब देख 70 में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो परफेक्ट नंबर होता है, लेकिन ये सही नहीं है, कन्वर्स से नहीं निकाल सकते हम। 70 के लिए क्या है कि 70 के हम फैक्टर्स कर लेंगे, 70 के हम फैक्टर्स कर लेंगे, अगर उसके फैक्टर में सारे पेयर्स आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, समझ गए। जिसके बारे में कोई हमें प्रॉपर्टीज से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स करेंगे। मैंने इसके फैक्टर कर दिए 35 ले लिया 1। अब आप देखें कि 70 के अंदर 2 × 35 आ रहा है, अच्छा यहाँ पर मैं 5 से और कर सकता हूँ, यहाँ 5 से तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, और 7 से करेंगे तो ये, इसका मतलब है कि 2 × 5 × 7, लेकिन इसमें किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा, किसी भी नंबर का पेयर ही नहीं बन रहा। तो अगर ये पेयर नहीं बन रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ में इसके बारे में केवल कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा नंबर जो है वो हम चेक कर सकते हैं इस तरह से, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर उसके सारे नंबर्स का पेयर बन जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो 70 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट्स फैक्टर्स आर नो इट्स फैक्टर्स आर नॉट पेयर्स इन पेयर्स, ठीक है। अगर इसके फैक्टर्स पेयर्स में नहीं है तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम इस तरह करते हैं, ई पार्ट देखें, ई में क्या है 121 माइनस 121। अब फिर मैंने आपको बोला 121 अगर खाली होता, सिर्फ 121 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता। सो नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो ये नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट इज 256। तो इसके लास्ट प्लेस पर 6 आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें इससे हम इसे साबित नहीं कर सकते, हमें इसके पेयर ही करने पड़ेंगे 256 के। तो मैं 256 लेता हूँ, जरा 256
और इसको पेयर कर देता हूँ मैं, टू से करेंगे 1 2 4 ऑफ 8 सॉरी, 2 से लेंगे 6 4, फिर 2 से लेंगे 3 2, फिर 2 से लेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो यहाँ देखें आप, ये 1 pair 2 pair 3 pair 4 pair, यहाँ देखो पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ सारे पेयर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप लिखोगे यस यस। आपने अगर इतना कर दिया तो आप नहीं भी रीज़न लिखेंगे तो भी चलेगा। इट्स फैक्टर्स आर इन पेयर, इसके फैक्टर पेयर्स में हैं, सो कुछ नहीं लिखना, इट्स फैक्टर्स आर इन पेयर, बस हो गया। ठीक है, इसके फैक्टर पेयर में हैं, तो यस 256 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज जी, ये क्या है 73। अब यहाँ लिखेंगे 70, यहाँ पर नो लिखेंगे, नो पहले, नो 73 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। बस ये सारे आंसर्स हो गए आपके, इस तरह से आपको करने हैं सारे। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट इसका, इसमें दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ सेकंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 at its यूनिट डिजिट। ये जो नंबर्स दिए हैं, इन सब नंबर्स पर आपको केवल ये बताना है कि इनका स्क्वायर करने पे, जो इनका स्क्वायर नंबर होगा, इनका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में उसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा कि नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ इसमें सेकंड क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ द यूनिट प्लेस यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर, इफ अ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 1 or 9, its square will always end in 1, and the number formed by its preceding digits in the number will be divisible by 4। इसमें दो चीज़ें हो गई, अगर हमें इस तरह का डिजिट दिया है, कोई यूनिट जिसका, जो कोई भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो अगर उसके यूनिट प्लेस पर 1 या 9 है तो उसका स्क्वायर नंबर जो होगा, जो स्क्वायर होगा उसका, वो एंड उसका जो यूनिट प्लेस है उस पर 1 आएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अगर उस 1 को हटा के जो नंबर बनेगा, वो नंबर 4 से डिवाइजेबल होगा, वो 4 से डिवाइजेबल होगा। जरा हम एक एक करके ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहला था ए 42 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें कि यूनिट प्लेस पर इसके 2 है, तो ये नंबर के यूनिट प्लेस पर, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 1 नहीं आएगा। तो बस केवल क्रॉस लगाना है, नो लिख देना है, नो। ठीक है, बी क्या है 21 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इट हैज 1 एट इट्स यूनिट प्लेस, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो
उसके यूनिट प्लेस पर वन होगा, यस लिख देंगे हम, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पर वन होगा, हम यस लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड थर्ड के बाद है सिक्स का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, अब सिक्स का स्क्वायर है तो इसके यूनिट प्लेस पर नहीं आ रहा है वो, हाँ सिक्स का स्क्वायर है तो इसके यूनिट प्लेस पर वन या नाइन नहीं है तो ये नो, ये नहीं आएगा। डी, डी जो है 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर है तो इसके यूनिट प्लेस पर 9 का स्क्वायर है तो यस ये होगा। ई, 31 का स्क्वायर, इस पर भी यस होगा क्योंकि इसमें 1 है। ई के बाद एफ, ये है 29 का स्क्वायर, इस पर भी होगा यस। और जी, 7 का स्क्वायर है तो यहाँ होगा नो। और एच, 149 का स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा यस। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लें तो आपके दो क्वेश्चंस ये हो जाएंगे और इनको अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद आपको वर्कबुक से क्वेश्चंस सेंड करने हैं, वर्कबुक में इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे 2-4-6 उनको आपको सेंड करना है और आज ही करना है। ठीक है, कल के लिए वेट मत करना, ठीक है, आज ही आपको करना है और सभी के मुझे होम असाइनमेंट्स चाहिए।